अचानक से देश में क्यों बढ़े कोरोना मरीज, सरकार कुछ छिपा तो नहीं रही। नमस्कार दोस्तों, कोरोना वायरस से 21 दिनों के लॉकडाउन जारी है और इसका सबसे ज्यादा गहरा असर गरीबों और दिहाड़ी मजदूरों पर पड़ा है। बता दें कि देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अचानक से पिछले 24 घंटों में इस महामारी के 386 केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 24 घंटे में जो मामले बढ़े हैं उसके लिए तबलीगी जमात को जिम्मेदार ठहराया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि तबलीगी जमात के लोगों के घूमने से कोरोना के मामले बढ़े हैं। लव अग्रवाल ने कहा, तबलीगी जमात के कारण खासतौर से तमिलनाडु, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले बढ़े हैं। इसके साथ तबलीगी जमात के मरकज से लौटे लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अब तक तेलंगाना में ही 6 की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने आगे कहा कि कोरोना के 132 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं और जम्मू और कश्मीर से 23 केस सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि पिछले 24 घंटे में 386 नए केस सामने आए हैं। इसी के साथ तबलीगी जमात से जुड़े 1800 लोगों को अस्पताल और क्वारंटीन सेंटर भेजा गया है। मदद के लिए रेलवे 3.2 लाख आइसोलेशन और क्वारंटीन बेड बना रहा है और साथ ही 5000 रेल कोच में बनेगा, जिसका काम शुरू हो गया है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।